आई एम अजय सर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स साइंस सब्जेक्ट। एंड इन अर्लियर वीडियोज आई हैव टॉट द लेसन नंबर 1 and 2। एंड नाउ आई एम गोइंग टू teach the lesson number 7, living and non-living. Living and non-living, many things that we see, living and non-living. Living means sajiv and means or, and non-living means nirjiv, sajiv or nirjiv. Many things that we see around us every day are living or were once alive. कई चीजें जो कि हम अपने चारों ओर देखते हैं, प्रत्येक दिन अपने चारों ओर देखते हैं, वे या तो सजीव हैं या एक समय सजीव थे। But what does it mean to be living? लेकिन सजीव होने का अर्थ क्या है, होता है? ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू आर लिविंग। सभी जंतु और पौधे जो कि आप अपने चारों ओर देखते हैं सजीव हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नोटिस एवरी डे सच एज कार्स, रॉक्स, ब्रिक्स, बकेट्स, बॉटल्स एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग। दूसरी वस्तुएं जो कि आप प्रत्येक दिन देखते हैं, जैसे कि कार, रॉक्स, ब्रिक्स, बकेट्स, बॉटल एट्सेट्रा, ये सब निर्जीव हैं। थिंग्स सच एज फर्नीचर, क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स एंड कॉर्क्स आर मेड अप ऑफ वुड। वस्तुएं जैसे कि फर्नीचर है, क्रिकेट ये बैट्स हैं, हॉकी स्टिक्स हैं या कॉर्क्स, ये सभी लकड़ियों से बने होते हैं। यू कैन कॉल देम डेड थिंग्स दो द ट्रीज फ्रॉम विच द वुड वॉज टेकन टू बी मेक These things were once living। आप इन चीजों को जैसे फर्नीचर, क्रिकेट बैट, ये सब जो मैंने नाम पकड़ा, आप इनको मृत वस्तुएं कह सकते हैं। यद्यपि कि पेड़ जिससे कि आपने लकड़ी को लिया, वो एक समय इन चीजों को बनाने के लिए जो लकड़ी लिया, वे एक समय सजीव थे। कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में कॉमन क्या होता है, उनकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग में भी होते हैं? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। पहली चीज, पहली समानता है जो कि सारे सजीव और निर्जीव वस्तुएं ये मैटर से बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है जगह छेकते हैं और उनमें मास होता है। दस ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। तो इस प्रकार से सभी सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं जो हैं उनमें मास होता है और वे जगह छेकते हैं। अनदर कॉमन फीचर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो दूसरी विशेषता है जो दोनों के बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच शामिल है,
दोनों में हैं वे हैं कि ये दोनों जो कि ये जो बने होते हैं ये रचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से। ए लिविंग ए नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए चौक कैन बी ब्रोकन इंटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स अंटिल यू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ चौक। ए नॉन लिविंग थिंग्स एक निर्जीव जो है लाइक एक चौक जो है जैसे कि एक चौक, इसको छोटे से छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है जब तक कि चौक का एक छोटा पीस न मिल जाए। यू हैव रीड दैट ए मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ का एक मॉलिक्यूल जो है सबसे छोटा छोटी इकाई होती है। सो ए मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ चौक। इसलिए एक अणु जो है चौक की एक रचनात्मक इकाई है। दस इस प्रकार से मॉलिक्यूल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से जो अणु है, मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु, मॉलिक्यूल्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स की निर्जीव की रचनात्मक इकाई है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग थिंग इज द सेल। और सजीव की जो रचनात्मक इकाई है वो है सेल। सेल मीन्स कोशिका। सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। जो कोशिकाएं हैं वे आकार और आकृति में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब ये सारे सेल एक ही तरह के नहीं होते हैं। There are different kinds of cells in the body of a living thing। और ये एक सजीव के वस्तु में के शरीर में एक सजीव में विभिन्न किस्म की कोशिकाएँ होते हैं। है cells can be seen under a microscope। Figure number 7.1 shows cells in the an onion peel as seen under a microscope। ये फिगर नंबर 7.1 में हम लोग एक प्याज के छिलके की कोशिकाओं को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की उनकी रचना होती है। ये तो हम लोग अभी पढ़ा, हम लोग ने जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देर आर टू कॉमन फीचर्स दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड अनदर कॉमन फीचर्स इज दैट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए नॉन लिविंग इज द मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज द सेल। नाउ वी शैल रीड अबाउट द डिफरेंसेज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ेंगे, जो अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम डिफरेंसेस सच एज मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन क्वाइट इजीली। आप आसानी से कुछ अंतर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि जैसे लिविंग का मूवमेंट नॉन लिविंग का मूवमेंट, वो भोजन कैसे लेते हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स को कैसे बॉडी से निकालते हैं या रेस्पिरेशन श्वसन कैसा, ये बिल्कुल आसानी से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। बट ए रोबोट वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज ए लिविंग थिंग बाय इट्स एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग और रनिंग। किसी भी सजीव के चलने या दौड़ने से की जो क्रियाएँ हैं इनके द्वारा हम सजीव का ये वो पहचान सकते हैं। बट ए रोबोट कैन एल्सो वॉक, लेकिन रोबोट भी चल सकता है और एक कार भी दौड़ सकती है। विल यू कॉल ए रोबोट और ए कार ए लिविंग थिंग्स। क्या आप रोबोट और कार को भी सजीव कह सकते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। सभी सजीवों में कुछ कॉमन विशेषताएं होती, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दोनों में शामिल होती हैं
और कुछ हैं जो वो नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन दिस वीडियो जस्ट आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड फर्दर वी शैल रीड और स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट हियर आर सम ओरल क्वेश्चंस यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। नेम सम फीचर्स दैट आर कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप कुछ कॉमन सामान्य विशेषता बताइए जो दोनों में शामिल है। तो अभी आपने देखा कि दो विशेषताएं हैं इसके आंसर में, कि दोनों जो हैं ये रचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं, दोनों के पास मास होता है और ये जगह छेकते हैं, ये कॉमन है दोनों में। और दूसरी जो है कॉमन फीचर्स वो है कि इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है मॉलिक्यूल्स कहलाती है, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं दोनों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से। नॉन लिविंग के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, एंड इन द केस ऑफ द लिविंग थिंग्स द स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज द सेल। आ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये दोनों में अंतर क्या होता है? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें ये जैसे जो लिविंग्स हैं वो भोजन ले सकते हैं, बेकार के पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं या रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू दीज थिंग्स। दीज आर द आंसर्स, सो यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।